तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील सैनी। आ गया हूं आपके लिए बहुत ही प्यारा विला लेके। दोस्तों 5 BHK विला होने वाला है। आप देखिए एक बार इसका एलिवेशन, बहुत प्यारा एलिवेशन दोस्तों। पूरे एलिवेशन में टाइल वर्क हो रखा है, बहुत प्यारे डिजाइन है दोस्तों, बहुत प्यारा बना हुआ। आप जब अंदर से देखोगे तो दोस्तों आपको एक फील आने वाला है। और लोकेशन की बात करूँ, सेक्टर 123 रहने वाला है। बड़ी बड़ी आपको रोड्स मिल जाती हैं। जितने सारे आप घर देख रहे हो दोस्तों, सारे 200 गज में बने हुए हैं। तो एक अच्छी जेंट्री एरिया रहने वाला है। एयरपोर्ट रोड यहाँ से सिर्फ दोस्तों 100 से 150 मीटर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे रहने वाली है। तो आइए चलते हैं हमारे इस विला के अंदर और देखते हैं हमें अंदर क्या क्या मिलने वाला है। और सबसे पहले बहुत प्यारा देखिए एंट्रेंस डोर आ जाता है। और यहाँ पे देखिए बहुत बड़े साइज की आपको पार्किंग मिलती है, 20x14 की यह पार्किंग एरिया आपको मिल जाता है। आपकी लग्जरी से लग्जरी गाड़ी यहाँ पार्क हो जाएंगी। और यहाँ पे भी देखिए आप दोस्तों, डाउन सीलिंग बहुत प्यारी वुडन के साथ आपको डाउन सीलिंग मिल जाती है। और ये देखिए इसका एलिवेशन दोस्तों, एंट्रेंस देखिए बहुत प्यारी दोस्तों, पूरा टाइल वर्क हो रखा है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल दोस्तों वुडन के साथ LED लाइट्स के डिजाइन मिल जाते हैं। और आपको एक दोस्तों यहाँ पे ग्रीन एरिया भी मिल जाता है। और एक आपको 2-व्हीलर पार्किंग मिल जाती है। अगर मैं इसकी साइज की बात करूँ, 2-व्हीलर पार्किंग 15x8 रहने वाला है। और अगर मैं इस ग्रीन एरिया की दोस्तों बात करूँ, तो ये भी आपको ऑलमोस्ट दोस्तों 10x6 का मिलने वाला है। तो आप अपना ग्रीनरी भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों और ग्रीन एरिया चाहते हैं, तो यहाँ पे भी आप पूरा आपका ग्रीन एरिया एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक अच्छा दोस्तों थॉट है कि आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे घर के अंदर और देखिए, ये आजकल दोस्तों बहुत अच्छा ट्रेंड है, आपको 2 स्टेप मिलते हैं। और ये हमारे आ जाती है विला की एंट्रेंस। तो बहुत हैवी दोस्तों, आपको देख रहे हैं आपका मैच डोर है। और ऐसे दोस्तों आपका एंट्रेंस डोर है, 8 फीट का आपका एंट्रेंस डोर रहने वाला है। और ये देखिए आप सबसे पहले देखिए इसकी डाउन सीलिंग, बहुत हैवी डाउन सीलिंग। जितनी आपको फ्लोरिंग मिलती है, ये इटालियन मार्बल है। और विला है तो स्टेयर्स आपके अंदर से हैं। और देखिए दोस्तों टच एंड फील देखिए इसका, आपका TV कैबिनेट, ये आपका आ गया दोस्तों हमारी क्रॉकरी के लिए कैबिनेट, ये हमारी वैनिटी आ गई। और हमारा ये जो डाइनिंग एरिया दोस्तों, इसका साइज रहने वाला 17x16 का। तो आप एक बार देखिए दूसरे एंगल से इसका व्यू, बहुत दोस्तों प्यारी बनी हुई, बहुत आपको एक बार दिल खुश हो जाएगा इसको विजिट करने पे। और बिल्कुल दोस्तों इसी साइज की ऑलमोस्ट बहुत बड़ी आपको देखिए मॉड्यूलर किचन भी मिलने वाली है। और इसका जो साइज रहने वाला है 16x12 का। तो आप देखिए फैंसी लाइट, जैसा आप घर देख रहे हैं बिल्कुल आपको एजेट से मिलने वाला है। ये आपकी स्पेस आगी रेफ्रिजरेटर की, जितना मर्जी बड़ा दोस्तों रेफ्रिजरेटर लगाएं। और ये देखिए दोस्तों पूरी यू शेप में आपको ये किचन मिलती है। और ये हमारा दोस्तों आगे ब्रेकफास्ट टेबल, तो आप देखिए इसमें भी आपको देखिए स्टोरेज मिल जाएगी। और पूरी दोस्तों स्टोरेज है, ये हमारा डबल सिंक आ गया। यहाँ पे हमारी विंडो आ गई वेंटिलेशन के लिए, हमें पता चलता रहेगा हमारे घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आपका RO दोस्तों ऑलरेडी इंस्टॉल है। सारी किचन देखिए दोस्तों बहुत प्यारी बनी हुई, ये आपका क्वाड लगा हुआ है। और ये ऊपर आपको हाइड्रोलिक के साथ मिल जाती है। ये हमारी चिमनी फाइबर की ऑलरेडी आपके इंस्टॉल है, एज इट इज मिलने वाली है। और ये देखिए सारी किचन आपको सॉफ्ट क्लोजर के साथ है, देखिए बहुत प्यारी बनी हुई किचन है। तो अच्छा लुक एंड फील आ रहा है, बहुत बड़ा साइज है, इटालियन मार्बल पूरे घर में लगा हुआ है। और आप इस एंगल से देखिए, ये देखिए दोस्तों विला स्टेयर्स आपको अंदर से जाती हैं, स्टील रेलिंग के साथ ग्लास लगा हुआ है। और बहुत अच्छा दोस्तों व्यू आ रहा है। और बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा हमारा दोस्तों लिविंग एरिया। और ये देखिए इसको वुडन के साथ बहुत अच्छा पार्टीशन दिया गया है, बहुत प्यारा घर है दोस्तों, एक बार इसको ज़रूर देख लें। और इसका जो साइज़ होने वाला वो है 13x12 का। तो आप चाहें तो इसको बेडरूम भी दोस्तों बना सकते हैं। तो ये देखिए ये भी आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे, आपका वॉलपेपर। इसकी दोस्तों एक बार डाउन सीलिंग अगर आपको कैमरा में दिखा सके, बहुत प्यारी। और ये फैन भी देखिए दोस्तों बहुत फैंसी, आपका सीलिंग फैन BLDC फैन लगा हुआ है, AC आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और ये देखिए अगेन इस एंगल से देखिए, ये हमारी वुडन की पार्टीशन। और सामने भी आपको अगर आपने कैमरा मैन अगर दिखाने की कोशिश करें, यहाँ भी आपको एक बहुत बड़े साइज की विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन पर्पज के लिए। तो एक ये सेपरेट आपको लिविंग एरिया मिल जाता है, आप इसको चाहे तो बेडरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं फिर हमारे पहले मास्टर बेडरूम में। और वो रहता है यहाँ से
पूरे घर में दोस्तों जैसे मैंने बताया इटालियन मार्बल लगा हुआ है, और ये आ गया हमारा मास्टर बेडरूम। इसके अगर मैं साइज की बात करूँ दोस्तों, मास्टर बेडरूम का जो साइज रहने वाला है 13.6x13 का, तो ये देखिए बहुत बड़े साइज का मास्टर बेडरूम। और इसकी डाउन सीलिंग देखिए दोस्तों, एक अलग डिजाइन, बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा दोस्तों ड्रेसिंग टेबल, बिल्कुल डेडिकेटली आपको ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है। ये देखिए यहाँ स्टोरेज मिल जाएगी, और ये पूरी वॉल पे आपको वॉलपेपर मिलता है। एसी देखिए आपके ऑलरेडी इंस्टॉल है, और ये हमारे आ जाते हैं दोस्तों रूफ हाइट्स तक वार्डरोब। ये देखिए बहुत अच्छे दोस्तों डिजाइन करे गए। नीचे आपको शू रैक मिल जाएंगे, ऊपर तक स्टोरेज है दोस्तों, स्टोरेज बहुत ज्यादा मिलने वाली है। ये बिल्कुल आपका मैचिंग करता हुआ हमारा आ जाएगा टीवी पैनल। और इस रूम में आपको एक बहुत बड़े साइज की विंडो मिल जाती है ग्लास के साथ, वेंटिलेशन के लिए मैच डोर आपको मिलता है। और इसी के साथ हमारा आ जाएगा अटैच वॉशरूम। और इस वॉशरूम के अगर मैं साइज की बात करूं, इसका साइज रहने वाला है 8x7 का। तो ये देखिए ड्राई और वेट का दोस्तों कॉन्सेप्ट फॉलो करा गया है, सेपरेट करा गया है। और आपका दोस्तों बहुत प्यारी यहाँ पे आ जाएगी वैनिटी, सारी फिटिंग आपकी जैक और ब्रांड की रहने वाली है। और यहाँ पे आपकी विंडो आ जाएगी वेंटिलेशन के लिए, एग्जॉस्ट ऑलरेडी इंस्टॉल है। और जितना आपका दोस्तों सैनिटरी वेयर है, सैनिटरी फिटिंग है, सारी आपकी रहने वाली जैक और ब्रांड की ही। तो ये रहा हमारा मास्टर बेडरूम ग्राउंड फ्लोर का। तो आइए आपको दिखाता हूँ सेकेंड बेडरूम, और उसके लिए दोस्तों आ गए हम फिर से हमारे डाइनिंग एरिया में, और यहीं से हमारा एक्सेस आ जाएगा हमारे सेकंड बेडरूम का। इसकी भी मैं साइज की बात करूं 13.6x13 का ये आपका बेडरूम रहने वाला है। और ये देखिए दोस्तों इसकी देखिए डाउन सीलिंग वुडन के साथ, सेम वॉलपेपर आपका मैच कराया गया है। एसी आपके ऑलरेडी इंस्टॉल है, फैंसी लाइट बिल्कुल आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा दोस्तों ड्रेसिंग एरिया, और बिल्कुल इसके साथ ही मैचिंग करता हुआ हमारे आ जाएंगे वार्डरोब। अगेन दोस्तों जैसे आपको वार्डरोब वहां मिलते हैं पहले बेडरूम में, सेम आपको मैचिंग वार्डरोब यहां मिल जाएंगे। नीचे आपके शू रैक आ जाएंगे, और अगेन ये बिल्कुल इसी के साथ मैचिंग करता हुआ हमारा आ जाएगा टीवी पैनल। तो बहुत अच्छा दोस्तों डिजाइन करा गया, बिल्ड बहुत प्यारा करा हुआ ये घर है। और इस रूम के साथ भी अटैच हमें मिल जाएगा हमारा वॉशरूम, और इस वॉशरूम का भी जो साइज रहने वाला है वो है 8x7 का। तो ये देखिए आपका अगेन ड्राई और वेट का कॉन्सेप्ट फॉलो करा गया है, जितनी फिटिंग है सारी फिटिंग आपको मिलने वाली जैक और ब्रांड की, आपकी वैनिटी, आपके दोस्तों सीट, सारा कुछ आपको मिलने वाला है जैक और ब्रांड का। तो इस रूम के से हमें एक्सेस मिल जाता है हमारे रियर कोर्टयार्ड का भी, और ये आ गया हमारा रियर कोर्टयार्ड। हैवी डोर है दोस्तों, मैच डोर भी आपके हैवी हैं, और ये देखिए बहुत बड़े साइज का हमें रियर कोर्टयार्ड मिल जाता है। डक्ट एरिया आपका यहाँ से है, हमारा वेंटिलेशन बना रहेगा, हमारी टैप की प्रोविजनिंग यहाँ पे है। तो दोस्तों आप अपनी यहाँ वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस रियर कोर्टयार्ड का जो साइज होने वाला है वो है 14x8 का। आप देख रहे हैं आपके दोनों बेडरूम की और दोनों वॉशरूम की वेंटिलेशन यहीं पर मिलती है। तो ये था व्यू हमारी ग्राउंड फ्लोर का। तो दोस्तों विला है, स्टेयर जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा अंदर से मिलने वाली है। तो आइए आपको व्यू दिखाता हूँ इसका दोस्तों, हमारे स्टेयर्स का बहुत प्यारा व्यू है दोस्तों। ये देखिए स्टेयर्स हमें अंदर से मिलती है, पूरा स्टेयर पे दोस्तों एंटी स्किड ग्रेनाइट लगा हुआ है, स्टील रेलिंग के साथ है, और ग्लास लगा हुआ है। और ऊपर देखिए यहाँ पे आप अपना एक दोस्तों शैंडलर इंस्टॉल कर सकते हैं, और पूरी ये वॉल पे आपको देखिए वॉलपेपर और इसके ऊपर भी डिजाइन मिलने वाले हैं। एक बार आपको कैमरा में ऊपर से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी वुडन का डिजाइन बहुत अच्छा, और ये देखिए ये भी हमारा दोस्तों झूमर बहुत प्यारा लगा हुआ है। और ये एक हमने जो दोस्तों यहाँ पे बार बना के दिया है, और इस जो सिटिंग एरिया बार एरिया का साइज रहने वाला है 16x9 का। और इसमें भी देखिए पूरी स्टील रेलिंग, और अगर आपको कैमरा नंबर दिखाने की कोशिश करें, देखिए ये आपको पूरी वॉल पे डिजाइन मिलने वाले हैं, वॉलपेपर बहुत अच्छा है। और पूरा देखिए व्यू, डाउन सीलिंग देखिए, बार एरिया देखिए, बहुत अच्छी दोस्तों बनी हुई। एक बार इसको आप ज़रूर चेक करें, और आप इसको विजिट करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें कॉल करें, विजिट ज़रूर प्लान करें। तो आइए आपको दिखाता हूँ थर्ड बेडरूम, और यहाँ से आ जाता है हमारा थर्ड बेडरूम। और इस बेडरूम के अगर मैं साइज की बात करूँ 14x12 इसका साइज रहने वाला है। और ये देखिए यहाँ पे आपको विंडो मिलती हैं वेंटिलेशन के लिए, सनलाइट के लिए,
और इसकी आप देखिए दोस्तों डाउन सीलिंग, बहुत हैवी डाउन सीलिंग वुडन स्टाइल के साथ। इस वॉल पे आपको वॉलपेपर मिल जाएगा आपको फैंसी लाइट्स के साथ। और ये आपके अगेन दोस्तों आ गए हमारे वार्डरोब, ऑलमोस्ट दोस्तों वही सिमेट्री फॉलो करी गई है जो हमारे फर्स्ट और सेकंड बेडरूम के साथ थी। तो ऐसे ही आपको मिल जाएंगे हमारे वार्डरोब। अगेन इसमें भी आपको ड्रेसिंग टेबल मिल जाएगा और टीवी पैनल की बात करूँ तो अच्छे साइज का यहाँ टीवी पैनल मिल जाता है। और बिल्कुल यहीं पे हमें मिल जाएगा अटैच वॉशरूम। ये वॉशरूम दोस्तों हमारा कॉमन है हमारे फोर्थ बेडरूम के साथ। तो आपको व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए इस अगर मैं वॉशरूम के साइज की बात करूँ इसका जो साइज रहने वाला है 8x7 इसका साइज रहने वाला है। नीचे एंटीज की टाइल्स लगी हुई हैं, सारी फिटिंग आप देख रहे हो जैकोर ब्रांड की रहने वाली है। और इसमें भी देखिए डाउन सीलिंग आपको हर जगह मिलने वाली है। तो ये विंडो आपको यहाँ पे भी मिलती है वेंटिलेशन के लिए। और इस रूम के साथ हमें एक बहुत बड़ी फ्रंट में जो हमारे घर के फ्रंट में बालकनी मिलती है तो आपको उसका व्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ से हमें एक्सेस मिल जाता है हमारी फ्रंट बालकनी का। और ये देखिए दोस्तों एक बहुत बड़े साइज की हमें बालकनी मिल जाती है। और इसके मैं अगर दोस्तों लेंथ की बात करूँ तो यहाँ तक हमारी जो लेंथ आती है इस एरिया तक ये आ जाती है दोस्तों 10 फीट की। और अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट आ जाती है दोस्तों 16 फीट की। तो अगर इन टोटलिटी इसकी मैं लेंथ की बात करूं दोस्तों ये आपको 20 से 22 फीट इसकी टोटल लेंथ मिल जाती है तो पूरे हमारे फ्रंट की। और ये पूरा आपको दोस्तों एक मिल जाता है आपका एक बहुत अच्छा हैपनिंग प्लेस मिल जाता है। और यहाँ पर भी देखिए पूरे डिज़ाइन, यहाँ पे आप अपनी इवनिंग टी इंजॉय करें, बारिश का मौसम इंजॉय करें और चाहे आप दोस्तों अपनी इवनिंग ड्रिंक भी इंजॉय करें। यहाँ पे आपको टैप की प्रोविजनिंग मिलती है, आप अपनी वॉशिंग मशीन भी यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। पूरी प्रोविजनिंग यहाँ करके दी गई है, बारिश में दोस्तों यहाँ कोई भी इशू नहीं है। तो ये था हमारा फ्रंट में दोस्तों जो आपको मिलती है बालकनी। तो अगर कैमरा मैन आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करें पूरे घर दोस्तों देखिए बने हुए हैं सारे, ये 200 गज के घर रहने वाले हैं। तो आइए चलते हैं फिर से हमारे घर के अंदर। तो ये था हमारा थर्ड बेडरूम। तो आइए आपको व्यू दिखाता हूँ हमारे फोर्थ बेडरूम का। और ये आ गया हमारा अगेन दोस्तों सिटिंग एरिया जहाँ पे हमारा बार बना हुआ है। और ये हमारा यहाँ से एक्सेस आ जाता है फोर्थ बेडरूम का। और इस बेडरूम की अगर कि मैं साइज़ की बात करूँ इसका साइज़ रहने वाला तो 13x10 का। आप इसको एज ए गेस्ट बेडरूम किड्स बेडरूम यूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा वॉल पेपर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अगेन दोस्तों वार्डरोब मिल जाएंगे। ये देखिए नीचे आपको शू रैक मिल जाएगा। और इस रूम में भी टीवी पैनल बिल्कुल मैचिंग करता हुआ आपके वार्डरोब के साथ। और वही वॉशरूम दोस्तों इसके साथ कॉमन है जो अभी मैंने आपको हमारे थर्ड बेडरूम के साथ अटैच था। ये देखिए ये आपको कॉमन वॉशरूम मिलता है, सारी फिटिंग सब कुछ आपको जैक्वर ब्रांड का ही मिलने वाला है। तो ये था हमारा फोर्थ बेडरूम जिसके साथ आपने देखा अटैच वॉशरूम। तो आइए अब आपको दिखाता हूँ फिफ्थ बेडरूम। 5 BHK ये विला होने वाला है। और ये हमें दोस्तों एक ऑप्शन मिल जाती है हमारी मंदिर की, इसका जो साइज रहने वाला है वो है 10x4 का। आप देखिए एक बार मंदिर का व्यू, आप इसको चाहे तो ऐसे मंदिर यूज़ कर सकते हैं और इनके साथ आप इसको दोस्तों स्टोर रूम बनाना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। चलिए चलते हैं हमारे फिफ्थ बेडरूम में। ये आ गया हमारा फिफ्थ बेडरूम। इस बेडरूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ 13x13.6 इसका साइज़ रहने वाला है। और इसका देखिए दोस्तों डाउन सीलिंग मास्टर बेडरूम, बहुत प्यारा हैवी डाउन सीलिंग के साथ। और ये पूरा देखिए वॉलपेपर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सारा ड्रेसिंग एरिया। फैंसी लाइट आप देख रहे हैं बिल्कुल आपको इंक्लूड रहने वाली है। और अगेन हमारा आ जाएगा दोस्तों वार्डरोब रूफ हाइट्स तक सेम दोस्तों ऑलमोस्ट मीटिंग फॉलो करी गई है। बहुत प्यारा दोस्तों 200 गज का लग्जरी विला ये रहने वाला है। आप इसको दोस्तों एक बार चेक जरूर करें, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं आप हमें कॉल करें और अपनी विजिट जरूर प्लान करें। और ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल मैच करता हूँ यहाँ टीवी पैनल। और इस रूम के साथ भी हमें एक बहुत बड़ी विंडो मिल जाती है जहाँ से हमारा दोस्तों वेंटिलेशन भी बना रहेगा। और इसका भी दोस्तों अटैच वॉशरूम जैसे हमने बिल्कुल नीचे देखा था 8x7 का वॉशरूम हमें इसमें भी मिलने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे सारी फिटिंग अगेन आपको जैकोर ब्रांड की मिलने वाली है। और सारा मिक्सचर शावर आपका वॉश बेसिन सब कुछ जैकोर ब्रांड का रहने वाला है। एग्जॉस्ट ऑलरेडी इंस्टॉल है। और यहाँ पे दोस्तों आपको चाहे वो कोई भी चीज़ है सब कुछ ब्रांडेड ही मिलने वाला है।
तो ये था हमारा 5 BHK दोस्तों, इंडिपेंडेंट विला, बहुत प्राइम लोकेशन, सेक्टर 123 रहने वाला है। इसको अगर दोस्तों बिल्कुल मिस ना करें, अगर आपका अच्छा लग्जरी घर आप लेना चाहते हैं। और इसके साथ ही हमें बहुत बड़ा दोस्तों एक ओपन रूफ मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आप अपना दोस्तों कोई छोटी मोटी पार्टी कर सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं। ये हमारी स्टेयर्स मिलती हैं हमारी दोस्तों सेकंड फ्लोर के लिए। आप चाहें तो ऊपर भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको देखिए हमने एक प्रोविजनिंग दे रहे हैं टैप की, जहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ इसको वॉशिंग करने के लिए, अगर अपनी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करना चाहें तो वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप इसको चाहे जैसे मर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा 200 गज का बहुत प्यारा बना हुआ अल्ट्रा लग्जरी 5 BHK विला। इसको ज़रूर विजिट करें अगर आपका दोस्तों आप एक लग्जरी घर देख रहे हैं, वो भी बिल्कुल चंडीगढ़ के साथ, एयरपोर्ट रोड बिल्कुल यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन पे है, स्कूल कॉलेज और दोस्तों गुरुद्वारा बिल्कुल इससे पास है। तो एक बार हमें सेवा का मौका ज़रूर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत सारे व्यूवर वीडियो देखते हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, सपोर्ट करें दोस्तों आपके लिए। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, बरसात हो, हम हर जगह जाते हैं, वीडियो लेके आते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको रोज़ एक वीडियो मिलती है। आप भी सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। और आप हमारा इंस्टा पेज, फेसबुक पेज, हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर फॉलो करें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। और दोस्तों इस कोठी की सारी प्राइसिंग, साइजिंग, लोकेशन भी आपको वहीं मिलती है। तो सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।